देश में कोरोना की बात करें तो सबसे बुरे हालात राजधानी दिल्ली के हैं। स्थिति लॉकडाउन तक आ पहुंची है। आइए जानते हैं इस बारे में दिल्ली सरकार की क्या तैयारी है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सीएम अरविंद केजरीवाल ने बाजारों में लॉकडाउन लगाने को लेकर एलजी को प्रस्ताव भेजा, लेकिन विरोध को देखते हुए अभी के लिए इस प्रस्ताव को खारिज किया गया। दिल्ली में कोरोना के आंकड़े बेतहाशा बढ़ने पर अब केजरीवाल सरकार नई सख्ती की तैयारी में जुटी है। शादी में मिली छूट को वापस लेने के बाद अब मास्क न पहनने वालों पर 2000 तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल अनिल बैजल से इस बारे में बात भी की। पहले मास्क न पहनने पर 500 रुपए का जुर्माना था। इसके साथ ही सीएम केजरीवाल ने विपक्ष से कोरोना के वक्त राजनीति न करने और दिल्ली वासियों से घर पर ही छठ मनाने की अपील भी की है। सीएम केजरीवाल के अनुसार दिल्ली के सभी प्राइवेट अस्पतालों के 80% बेड कोरोना के लिए आरक्षित किए जा रहे हैं। दिल्ली सरकार 663 आईसीयू बेड की व्यवस्था भी कर रही है। वहीं केंद्र सरकार 750 आईसीयू बेड दे रही है, यानी कुल मिलाकर अकेले राजधानी दिल्ली में 1400 से ज्यादा आईसीयू बेड हो जाएंगे। राजधानी दिल्ली के हालातों को देखते हुए अब केंद्र सरकार भी एक नई तैयारी में जुट गई है। जहां अमित शाह पूरी तरह तैयार नजर आ रहे हैं, तो वहीं अब सीएम केजरीवाल भी सख्ती में हैं। कोरोना की तीसरी लहर की बात अगर सही निकलती है तो ये भारत के लिए एक मुश्किल हो सकती है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।